लास्ट एक्सरसाइज में भी आपने सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पढ़े, बट स्पेशली सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पर बेस्ड एक सेपरेट एक्सरसाइज बनाई हुई है 7.10 एनसीईआरटी में, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही होने हैं, ठीक है, वो पहले से ही बता दिया आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 7.10 का, ये सब्स्टिट्यूशन से होना है। दिख रहा है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या माना जाना चाहिए, टी। इससे क्या होगा, यहाँ जब डेरिवेटिव कराओगे तो 2x dx क्या बन जाएगा, dt, या हम ये कहें कि x dx क्या बन जाएगा, dt/2, ठीक है। तो यहाँ पर x dx की जगह लिख देंगे dt/2, और इंटीग्रेशन 1/x²+1 को हमने क्या माना है, t। अब इस स्टेप पर आकर दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप यहाँ पर लिमिट मत लिखो और पहले सॉल्व कर लो और एक्स में कन्वर्ट कर लो और अपनी लिमिट यही लगाओ। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पर लिमिट लिख रहे हो तो पहले टी की लिमिट निकाल लो और फिर पुट करो, ठीक है। दोनों में से जो आपको ठीक लगता हो आप कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ कोई लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, पहले इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/t का क्या आ जाएगा, log t, और t को हम लोग क्या लिख देंगे, x²+1। और अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी लिमिट पुट कर दे रहा हूँ जो मेरे क्वेश्चन में दी हुई है एक्स में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो आपका आंसर देखो क्या बनेगा, log, यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, और माइनस log, यहाँ पर 0 रखोगे, 0 प्लस 1 कितना, 1, ये चल रहा होगा, ठीक है। और 1/2 ऐसे ही, ठीक है। और log, ये m, log m माइनस log n, log m/n हो जाएगा, तो log 2/1 कितना आ जाएगा, 2, तो 1/2 log 2 ये आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो x/x²+1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट के लिए इस तरह से कराओगे आप, हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो, क्या क्वेश्चन गिवन है हमें, 0 से π/2 इसकी लिमिट गिवन है, रूट के अंदर साइन फाई लिखा हुआ है और साथ में कॉस की पावर 5 फाई और d फाई, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्लियरली ये बात पता है कि इनमें से, इन दोनों क्वांटिटी में से किसी एक को t माना जाना है, ठीक है। उसको मानने से पहले हम लोग एक काम करेंगे कि साइन फाई तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर कॉस की पावर 5 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 अलग लिख लो, ठीक है, और 1 फाई अलग कर लो, 5 है ना पावर, तो 4 अलग कर ली, 1 अलग कर ली, ठीक है। और लिमिट अभी चली रही है 0 से π/2, अब इसके आगे 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, रूट साइन फाई भी ऐसे ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो, कॉस की पावर 4 फाई है ना, इसको हम कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है ना, और साथ में क्या चल रहा है, कॉस फाई डी फाई, ठीक है। अब 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, रूट साइन फाई भी ऐसे ही ठीक है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई को 1 - sin² φ लिख सकते हैं, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, और साथ में कॉस फाई डी फाई, ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से बना लिया है कि अगर मैं साइन फाई को टी मान लूँ तो कॉस फाई डी फाई क्या बन जाएगा, डी टी। तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन फाई को टी मान रहा हूँ, ठीक है। तो साइन फाई को टी मानने पर क्या बनेगा, कॉस फाई डी फाई किसके इक्वल, डी टी, यहाँ डेरिवेटिव करा दिया, ठीक है। अब कॉस फाई डी फाई की जगह तो आपने क्या लिख दिया, बोलो, डी टी, और इधर रूट साइन फाई को क्या माना है हमने, टी, और यहाँ पर 1 - में क्या, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करना बहुत आसान है, यहाँ पर तो टी की पावर 1/2 है, ये रूट का मतलब पावर 1/2, और यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर दो तो देखना क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है डी टी। अब ये टी की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो सभी जगह पर, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या बनेगा, टी की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 का इसमें कराओगे तो कितना बनेगा, 4 + 1/2 हो जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा 9/2 है ना, और माइनस 2 इंटू यहाँ पर 1/2 + 2 कितना 5/2, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है अभी डी टी। अब आप देखो आपका क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो चुका है कि जिसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है, अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी केवल क्वेश्चन को बनाया गया है। क्या किया मैंने देखो बनाने के लिए, यहाँ पर कॉस की पावर 5 में से एक कॉस अलग और 4 अलग कर लिए, इसमें से इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 1 - sin²ϕ लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास जहाँ जहाँ साइन लिखा है वहाँ उसको हम टी मान लेते हैं, और कॉस फाई डी फाई इससे क्या बन जाएगा हमारा डी टी, ये बच गया। अब इसमें होल स्क्वायर ओपन करके बाद इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो अब आपके पास फाइनली ये टर्म बन गया, इसका इंटीग्रेशन आपको कराना आता है, बताओ क्या आएगा, ये कितना बनेगा टी की पावर 1/2 + 1/2, ठीक है, प्लस टी की पावर 9/2 + 1 में कितना 9/2 + 1 यहाँ पर भी 1 आएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1, और इस जगह पर बच्चों क्या चलेगी लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर जब लिमिट देखें अगर हम, तो देखो लिमिट क्या बनती होगी, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जैसे साइन फाई टी के इक्वल है, साइन फाई किसके इक्वल है टी के, तो जब साइन 0 होगा तो टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बोलो 0, ठीक है, और जब साइन पाई बाय 2 होगा तब कितनी निकल कर आएगी बोलो 1, है ना, तो 0 पर तो आंसर जब साइन की टर्म में चल रहा था क्वेश्चन हमारा, है ना, फाई की टर्म में चल रहा था, तब यहाँ पर 0 पर तो यहाँ पर जब भी साइन 0 होगा तो ये कितना होगा टी 0, और जब साइन पाई बाय 2 रहा होगा तब ये कितना रहा होगा 1, ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएंगी 0 से 1, तो वो लिमिट यहाँ पर आप अप्लाई कर दो जैसे ही आपने टी में चेंज किया क्वेश्चन को 0 से 1, ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात, निकालते कैसे लिमिट, ये क्लियर है, जिसको आप टी मानते हो उसी में पहले लोअर लिमिट रख दो फिर अपर लिमिट पुट कर दो, वहां से लोअर और अपर लिमिट निकल जाती है टी की। अब आप क्या करोगे, जब आप इंटीग्रेशन करा चुके हो तो अब आप लिमिट ये वाली पुट करोगे इसमें, ठीक है, या दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पर टी की जगह सब जगह साइन फाई लिखो और फिर उसमें लिमिट पुट करो, ठीक है, वो एक ही बात है, आप कैसे भी कर सकते हो। ये कितना बनेगा टी की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आया होगा, 2 ऊपर लिख दिया, प्लस यहाँ कितना बनेगा 11/2, यहाँ भी 11/2, माइनस यहाँ पर टी की पावर कितना बनेगा 7/2, नीचे भी 7/2 बनेगा, 2 ऊपर पहले से भी लिखा हुआ है तो 4 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है 0 से 1। अब आप लिमिट पुट करो, तो पहले तो अपर लिमिट पुट करोगे 1, यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या बचेगा 2/3, यहाँ 1 पुट करोगे तो 2/11, यहाँ पर 1 तो 4/7, अपर लिमिट हो चुकी। अब जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब जगह 0 0 ही होता चला जाएगा, 0 + 0 - 0 सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला पार्ट यानी कि सॉल्व करना है हमें सिर्फ केवल, तो इधर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना बनेगा इनका 1 3 2, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, नीचे तो क्या चल रहा है 231, और इन दोनों को ऐड करा लो, ये कितना बन जाएगा 196, और माइनस में क्या चल रहा है 132, इसको माइनस करा लो कितना बन जाएगा ये 4664 अपॉन में 231, ऐसे बन जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आप देखो तो, पहले बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये सारे स्टेप बताओ, ये समझ में आ गया, पावर 4 लिखना है और एक 5 एक अलग कर लेनी है 5 में से, ठीक है,
फिर इसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर, फिर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, फिर साइन फाई को टी मानना है, ठीक है, कॉस फाई डी टी बन चुका होगा, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करा के आपके पास ये बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, और टी के टर्म की ही लिमिट यहाँ पर निकाल कर रख लो, और फिर बस वैल्यू पुट कर दो, फिर इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन रह जाएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद 0 से 1 साइन इनवर्स क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ाया, जब x की जगह क्या होता है वहाँ पर tan थीटा होता है, तो अगर x की जगह tan थीटा रखेंगे तो जो dx है वो क्या बन चुका होगा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, अभी साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा, यहाँ पर भी x की जगह tan थीटा, ठीक है, और dx की जगह क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x की जगह सब जगह tan थीटा लिख दिया। अब ये साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ, ठीक है, ये वाला स्टेप अगर आप लिखना चाहो तो पहले लिख भी सकते हो। देखो ये स्टेप में ये बन रहा है साइन इनवर्स ऐसी, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और इधर क्या चल रहा है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा, 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये आ जाएगा। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड, 2 को बाहर ले देना। अब इसमें लगाओ बाई पार्ट्स, क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 ऐसे ही, ठीक है, थीटा ऐसे ही, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, d थीटा से d थीटा कट गया, यहाँ पर भी sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा, और अभी d थीटा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे और सॉल्व कर लो, 2 ऐसे ही, ठीक है, थीटा tan थीटा ये सब ऐसे ही, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec थीटा, ठीक है, ये आया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर, है ना। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने के दो तरीके होंगे, या तो आप थीटा की लिमिट निकाल कर वो पुट कर दो यहाँ पर, या फिर जब सभी जगह पर थीटा को क्या लिख दो, tan इनवर्स x लिख दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आप थीटा की अगर लिमिट निकालते हो, ठीक है, अगर मान लो आप थीटा की लिमिट निकालते हो, तो देखो x इक्वल टू क्या है, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो, tan इनवर्स x बनेगा, ठीक है, तो आप, ठीक है, मैं थीटा की जगह tan इनवर्स x भी लिख सकता हूँ, या फिर चलो लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट निकालता हूँ, पहले लोअर लिमिट रख रहा हूँ, तो बताओ थीटा कितना बनेगा इस केस में, जब लोअर लिमिट रख दी यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और अगर मैं 1 रख दूँ तो तब थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, टेन इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पर, तो यानी लिमिट 0 से 1 जब चल रही हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 0 से पाई बाय 4 में, ठीक है, तो 0 से पाई बाय 4 पर कन्वर्ट करो इसे, लिमिट को 0 से पाई बाय 4, ठीक है, तो 2 ऐसे ही, ठीक है, पहले अपर लिमिट रखो पाई बाय 4 और tan पाई बाय 4 माइनस log sec पाई बाय 4, ठीक है, ये तो हो गई कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट रखो, तो जब यहाँ 0 रखोगे तो ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, जब क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, यहाँ पर 0 माइनस log sec 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर लिखो, 2 ऐसे ही, ठीक है, पाई बाय 4 भी ऐसे ही, ठीक है, tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1, और माइनस में log sec पाई बाय 4 कितना होता है, रूट 2,
ठीक है, ये बन गया, और माइनस ये जीरो माइनस में लॉग सेक जीरो कितना होता है वन, अच्छा लॉग वन भी जीरो ही होता है, तो ये सफा पीछे वाला तो सारा पार्ट क्या हो जाएगा जीरो, ये बचेगा सिर्फ, तो जब ये बचेगा तो देखो क्या बनेगा आंसर, टू ऐसे ही ठीक है, पाई बाय फोर माइनस इसको वन बाय टू लिख सकते हैं, टू की पावर क्या वन बाय टू, और वन बाय टू कहाँ आ जाएगा आगे, तो वन बाय टू और क्या आ जाएगा ये लॉग टू। अब आप इस टू का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा पाई बाय टू, और यहाँ पर जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू से टू कट गया होगा, क्या बचा होगा लॉग टू, तो पाई बाय टू माइनस लॉग टू ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर बात, तो ये तो केवल वैल्यू पुट करके थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन करने वाला जो पार्ट है सब्स्टिट्यूशन जहाँ पर लगा है वो सिर्फ इतना पार्ट है कि एक्स को हमें क्या पुट करना है टेन थीटा। अब आपको पता कैसे चलेगा, पता तभी चलेगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे, तो उसमें क्लियरली याद होगा आपको कि हाँ ये ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कहीं पर, बट एक्स की जगह क्या होता है वहाँ पर टेन थीटा, तो इसीलिए यहाँ टेन थीटा पुट किया है। टेन थीटा पुट करने पर डी एक्स साथ में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर बाई पार्ट के लिए फॉर्म बन जाती है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद लिमिट पहले ही चेंज कर लेना, वही लिमिट हमने यहाँ पर यूज की है थीटा के टर्म की लिमिट, और फिर ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करा पाओगे इसको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्या है क्वेश्चन नंबर फोर, जीरो से टू है और x एंड रूट एक्स प्लस टू और dx, ठीक है ये होना चाहिए। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो आसान तरीका बताया हुआ है उन्होंने कि x प्लस टू को यहाँ पर क्या पुट कर दो t स्क्वायर, x प्लस टू को t स्क्वायर, t नहीं t स्क्वायर, t स्क्वायर क्यों, जिससे कि ये रूट हट जाए, ठीक है ना। अगर आप सोचो इस रूट के अंदर आप टी स्क्वायर लिख दोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना। अच्छा, और अगर मान लो एक्स की ज़रूरत पड़ी कहीं पर तो वो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस टू, ये टू इधर ले जाकर लिख दिया, तो अगर कहीं एक्स लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस टू, तो इस एक्स की जगह लिख दोगे टी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। और डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, तो आंसर है 2t dt, ठीक है, उधर वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t और साथ में dt, तो dx की जगह आप लिख रहे होंगे क्या 2t और dt। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया होगा, क्या बचा होगा t, और ये वाला 2t भी चल रहा है, तो यहाँ पर इस 2 को तो आप चाहो तो बाहर लिख लेना, ये वाला जो 2 है इसको तो कहाँ लिख लो बाहर, ये वाला टी और ये वाला टी मिलकर क्या बन गए बोलो टी स्क्वायर, और आगे क्या चल रहा है टी स्क्वायर माइनस टू और साथ में क्या डी टी। अब इस टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, टी की पावर फोर और माइनस में क्या आ जाएगा टू टी स्क्वायर, और अभी चल रहा है साथ में डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है टी की पावर फाइव अपॉन फाइव और टू इंटू टी की पावर थ्री अपॉन थ्री, ये ठीक है इस तरह से। अब आप चाहो तो t की लिमिट लगा लो या पहले t को जो भी आप मान रहा है वो लिख लो, तो मैं t की लिमिट निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो t की लिमिट अगर आप निकालोगे तो देखो क्या निकलेंगी, यहाँ से अगर आप x प्लस टू को t स्क्वायर मगर माना है तो t किसके इक्वल होता होगा रूट एक्स प्लस टू के, है ना। तो अब आप पहले लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट यहाँ पर या जीरो पुट करोगे तो कितना आ गया होगा रूट टू, है ना, और जब यहाँ पर टू पुट करोगे तो कितना आ गया होगा बोलो रूट फोर, रूट फोर की वैल्यू मतलब टू ही होती है, तो जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी रूट टू से टू, ठीक है। ये हमने लिमिट पुट करनी है, अब टी की ये लिमिट आप यहाँ पुट करते जाओ तो देखो क्या बनेगा, 2 पुट करोगे 2 की पावर 5 अपॉन 2 नहीं 5 कितना बनेगा 5, ठीक है, और माइनस 2 अपॉन 3 ऐसे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 पुट कर दो 2 की पावर 3
यह आ गई आपकी क्या अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो रूट टू की पावर 5/5 -2/3 और टी की जगह रूट टू और उसकी पावर 3। ये हमारी हो गई क्या लोअर लिमिट। ठीक है, पहले तो मैंने अपर लिमिट पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट पुट कर दी इस जगह पर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 2 ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 5, 32 अपॉन में क्या 5, और ये 2 की पावर 4 ही हो गया बेसिकली। ये कितना बन जाएगा, 16/3 माइनस ये रूट 2 की पावर 5 कितना बनेगा, तो आंसर है 4√2 अपॉन में क्या 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये रूट 2 की पावर 3 कितना 2√2, और वो 2 और ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4√2 अपॉन में कितना 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, ठीक है, और 3 से कैंसिल हो गया ये 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। अच्छा इन दोनों में एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का भी 15 आएगा, 5 से कैंसिल होगा कितने टाइम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो कितना आएगा माइनस का कितना 12√2, और 3 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम 5 4 जा कितना हो जाएगा 20√2। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो, 96-18 ये कितना बन जाएगा 16/15, और ये 20 में से 12 माइनस करा दो कितने बच गए 8√2 अपॉन में क्या 15, ठीक है, और चाहो तो आप इन दोनों में से 15 कॉमन लेकर बाहर लिख दो, तो 2/15 और 16+8√2 ये आपका फाइनल आंसर बच जाएगा। बाद आप ये कर सकते हो कि 2/15 तो ऐसे ही, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 2+√2 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद अभी भी इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है बोलो, 2 और √2 में से क्या कॉमन आ सकता है √2, तो वो कॉमन ले लो √2, जब 2 में से √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा √2 और प्लस में क्या 1, ऐसा बच जाएगा। ठीक है, बट ये नेसेसरी स्टेप नहीं है, आप अपने फाइनल आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है सारा, इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन टफ है या इजी है, तो बहुत ही आसान सा ही है अगर आप x+2 को टी स्क्वायर मानते हो। क्यों माने टी स्क्वायर, उसका आंसर क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है रूट हटाने के लिए टी स्क्वायर मानो, ठीक है, टी स्क्वायर मानने के बाद ये इतना आसान हो जाएगा कि बस आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो इतना सा टर्म बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, और इसकी लिमिट निकाल कर वो लिमिट पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0 से π/2 और sin x/(1+cos²x dx) इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन कराना है, सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए क्या करोगे, cos x को क्या मान लोगे बोलो t, इससे क्या होगा -sin x dx क्या बन चुका होगा dt, तो यहाँ पर क्या मैं ये कहूँ कि सिर्फ sin x dx क्या बन चुका होगा माइनस का dt, वो माइनस उधर लिख दिया मैंने, ठीक है, तो sin x dx की जगह लिख देंगे हम क्या -dt और 1/1+cos x को हमने t माना है। अब यहाँ लिमिट मत पुट करना, पहले इंटीग्रेशन यहाँ पर करा लो, कितना बनेगा 1/1+t² क्या होता है tan इनवर्स t का फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस आगे चल ही रहा है, और अब इस पर लिमिट लगाओ, ठीक है, तो cos x को आपने क्या माना था
टी। अब पहले आप लोअर लिमिट लिखो, यहाँ पर कॉस क्या जीरो, तो यहाँ पर टी का किसके इक्वल रहा होगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है। और फिर अपर लिमिट लिखो कॉस पाई बाय टू, तब उस केस में टी क्या हो जाएगा, जीरो, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, ठीक। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, वन से जीरो आ गई, वन से जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट पुट करो, टेन इनवर्स क्या लिखोगे बोलो, जीरो, ठीक है। फिर माल में माइनस में क्या लिखोगे, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स जीरो कितना, जीरो, टेन इनवर्स वन कितना, पाई बाय फोर। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस का पाई बाय फोर। देखो क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरह से आया, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया इसमें कि वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में हमें दिख रहा था कि कॉस एक्स को अगर टी मान लें तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, है ना। तो वही हमने किया, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आसान है, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स टी, और फिर लिमिट इसकी टी की निकाल ली हमने, लोअर और अपर, और फिर इसके बाद वैल्यू पुट करोगे, ये आपका। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।